At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future. We're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, स्वागत है आपका आई इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। उत्तर प्रदेश के बेसिक स्कूलों में अध्यापकों की ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में अध्यापक इस बार आर पार की लड़ाई की रणनीति बना रहे हैं। अध्यापकों के सभी संगठन एक बैनर तले आ गए हैं और एक संघर्ष समिति बनाकर BRC से लेकर जिला मुख्यालय और जरूरत पड़ने पर राजधानी लखनऊ तक विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर लिए हैं। योगी सरकार की ऑनलाइन हाजिरी के फरमान का दूसरे दिन असर शून्य पर पहुंच गया। पहले दिन तक तो प्रदेश के कुल 1,32,869 बेसिक स्कूलों के 6,09,282 शिक्षकों में से सिर्फ 16,015 शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी दर्ज कराई थी, लेकिन दूसरे दिन किसी भी जनपद में एक भी शिक्षक की हाजिरी दर्ज कराने की सूचना नहीं आई। इस बीच उन्नाव के BSA ने ऑनलाइन हाजिरी न लगाने पर सभी शिक्षकों का वेतन रोक दिया। इस पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा की ओर से प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी हुए कि शिक्षकों का वेतन वह अवरुद्ध नहीं कर सकते, जबकि ऑनलाइन हाजिरी 15 जुलाई से लगनी थी, लेकिन 8 जुलाई से इसे लागू किए जाने का फरमान जारी हुआ। शिक्षकों के विरोध को देखते हुए हाजिरी के समय में आधे घंटे की बढ़ोतरी कर दी गई। 2023 में भी ऑनलाइन हाजिरी का आदेश जारी हुआ था, जिसे शिक्षकों ने नहीं माना था। अब एक बार फिर ऑनलाइन हाजिरी को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। जिला मुख्यालय पर शिक्षक संगठनों द्वारा प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा जा रहा है तो काली पट्टी बांधकर विरोध भी जताया जा रहा है। इससे पहले ही लाखों की संख्या में ट्वीट कर शिक्षकों ने सरकार को आईना दिखाते हुए अपनी मंशा जता दी थी। अब शिक्षक संगठन एक बैनर तले आकर आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर लिए हैं। ऐसे हालातों में ऑनलाइन हाजिरी का आदेश लागू हो पाना दिवा स्वप्न जैसा कहा जा सकता है। शिक्षकों के समर्थन में राजनीतिक दलों के नेता भी उतरने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट पर कहा कि शिक्षकों पर विश्वास करने से ही अच्छी पीढ़ी जन्म लेती है। कुछ शिक्षक देर से स्कूल नहीं पहुंचना चाहता है, लेकिन कहीं सार्वजनिक परिवहन देर से चलना इसका कारण बनता है। कहीं रेल का फाटक बंद और कहीं घर से स्कूल के बीच की दूरी 500 किलोमीटर होती है, क्योंकि शिक्षकों के पास स्कूल के पास रहने के लिए ना तो सरकारी आवास होते हैं और ना ही दूरस्थ इलाके में किराए पर घर उपलब्ध होते हैं। इस तरह से काफी लंबा चौड़ा ट्वीट शिक्षकों के समर्थन में अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है, जबकि शिक्षक ट्वीट के माध्यम से अपनी तमाम समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का पहले ही अभियान चला चुके हैं। अखिलेश यादव के बाद शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी उतर आए हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार अध्यापकों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज कराने को आमादा है, जबकि सरकार अध्यापकों की वर्ष में 30 EL और हाफ CL देने की मांग नहीं मान रही। अध्यापकों की स्थिति इतनी दयनीय है कि अपनी शादी के लिए भी टीचर को मेडिकल लीव लेनी पड़ती है। उन्होंने मुख्यमंत्री से ऑनलाइन अटेंडेंस के आदेश को वापस लेकर टीचर्स की समस्याओं का निराकरण कराने की मांग की है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर कहा है कि DG शिक्षा के 5 जुलाई 2024 को दिए गए आदेश में सभी 12 रजिस्टर डिजिटल रूप से बनाना पूर्णतया अनुचित और अव्यवहारिक प्रतीत होता है। साथ ही शिक्षकों द्वारा बार बार मोबाइल पर कार्य करने से अभिभावकों में शिक्षकों के प्रति गलत संदेश जा सकता है। वह इस आदेश को अनुचित बताते हैं और इसे निरस्त करने की मांग करते हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संसदीय एवं सामाजिक सद्भाव समिति के सभापति आशुतोष सिन्हा, इलाहाबाद झांसी शिक्षक खंड के भाजपा MLC डॉक्टर बाबूलाल तिवारी ने पत्र लिखकर और धौरहरा से सपा सांसद आनंद भदौरिया ने ट्वीट कर ऑनलाइन हाजिरी के आदेश को निरस्त करने को कहा है। अब आइए आपको UP की राजधानी लखनऊ से सटे सीतापुर जनपद में मंगलवार को ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में शिक्षकों की गतिविधियों की आई इंडिया द्वारा ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाते हैं। लहरपुर संवाददाता अरुण सिंह आचार्य के अनुसार ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में 9 जुलाई 2024 को लहरपुर की कार्यकारिणी एवं संघर्ष समिति की कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश सिंह, ब्लॉक मंत्री अजय राजवंशी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आलोक वर्मा, आजाद, अर्पित त्रिवेदी, नीलम कुमार, अभिषेक मिश्रा, सत्येंद्र मिश्र, ध्रुव वाजपेयी, शशिभूषण, पुनीता देवी, त्रिवेंद्रम, जमीर, रामचंद्र, राजेश अहिरवार आदि कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित रहे। रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा के अनुसार
प्राथमिक शिक्षक संघ के बेसिक शिक्षकों ने बीआरसी पर हाथ पर काली पट्टी बांधकर ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में सांकेतिक प्रदर्शन किया तथा 11 जुलाई को धरना प्रदर्शन करने को कहा। विरोध प्रदर्शन में ब्लॉक शिक्षक संघर्ष समिति अध्यक्ष जंग बहादुर यादव, आशीष वर्मा, रामशंकर वर्मा, संदीप कुमार, अर्चना वर्मा, शरद यादव, महेश कुमार, प्रदीप कुमार, कमलेश कुमार, उमेश वर्मा, सत्यवीर सिंह, विशाखा रानी, सलाहुद्दीन, कोमल यादव, जयराम आदि सैकड़ों अध्यापक उपस्थित रहे। इसी तरह मछरेटा संवाददाता अरुण राजवंशी के अनुसार मछरेटा बीआरसी पर बेसिक शिक्षकों ने शिक्षक संघ के ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश मिश्रा, जूनियर शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष अंजनी शुक्ला, पूर्व अध्यक्ष संदीप यादव, शिक्षक सिद्धराम, शिक्षक नंदकिशोर गौतम, राम नरेश राजवंशी, अरविंद यादव, मुकेश दीक्षित सहित लगभग एक दर्जन से अधिक शिक्षकगण मौजूद रहे। कसमंडा संवाददाता सत्य प्रकाश सिंह के अनुसार खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कमलापुर में बेसिक शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में सांकेतिक धरना दिया। यह विरोध प्रदर्शन शिक्षक संघ अध्यक्ष गिरजेश अवस्थी की अगुवाई में किया गया। संदना संवाददाता राजेंद्र सिंह के अनुसार मंगलवार को बीआरसी गुंदलामऊ में प्राथमिक शिक्षक संघ इकाई गुंदलामऊ द्वारा ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में सांकेतिक धरने का आयोजन किया गया। इस धरने में ब्लॉक अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार को सभी शिक्षक गांधी जी की प्रतिमा के सामने मौन व्रत रखकर अपनी नाराजगी जताएंगे। फिर 11 तारीख को दोपहर 2 से 5 बजे तक बीआरसी पर विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बीआरसी में कार्यकारिणी व संघर्ष समिति की बैठक में ब्लॉक मंत्री नवनीत पटेल, राजीव राठी, मनोज सिंह, अरविंद सिंह, अनुपम, रेखा, अर्पणा परदेशी, अंजू शुक्ला, कुसुमलता, रीना प्रभाकर, पुष्पेंद्र सिंह सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। सांडा सकरण संवाददाता विनय अवस्थी के अनुसार विकास चयन सकरण के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों ने बीआरसी सकरण पर उपस्थित होकर ऑनलाइन हाजिरी का विरोध किया। इस विरोध प्रदर्शन में शिक्षक नशीद अहमद, रविंद्र मिश्रा, विनोद कुमार, मोहम्मद आरिफ, कृष्णकांत, शारदा प्रसाद, धीरेन्द्र पटेल आदि मौजूद रहे। विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष विनोद कुमार, शिक्षक संघ उपाध्यक्ष रविंद्र कुमार मिश्रा, शिक्षक सकरण के अध्यक्ष नसीर अहमद ने आई इंडिया से क्या बताया वह भी सुनिए। मैं पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ का ब्लॉक अध्यक्ष हूं और जनपद का कोषाध्यक्ष हूं। मेरी मांग है कि ऑनलाइन हम लोगों की उपस्थिति लेने के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारी जो जुनून मांगे हैं, जो मानवीय मूल्यों पर आधारित हैं, उसको ध्यान में रखते हुए विचार करें, तब हम लोग ऑनलाइन अटेंडेंस देंगे अन्यथा नहीं देंगे। हमारी मूल मांगे ये हैं कि हमको अन्य राज्य कर्मचारियों की तरह 30 ईएल दिया जाए और हाफ सीएल की व्यवस्था की जाए। वो क्यों? अगर हम मान लीजिए सुबह की अटेंडेंस दे करके विद्यालय में उपस्थित हैं, हमारी फैमिली में जिनके लिए हम दिन रात कमा रहे हैं, कोई कैजुअलिटी होती है, कोई बीमार होता है, तो हम हाफ सीएल ले जा करके उनके उपचार के लिए जा सके। विद्यालय में हमारा साथी कोई या हम किसी कैजुअलिटी हो जाती है या हम बीमार हो जाते हैं, तो ये प्राथमिकता होगी पहले हम अस्पताल जाएं कि अपनी ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए बैठे। इन मानवीय मूल्यों पर विचार करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांग को माने, इसके बाद ही हम ऑनलाइन उपस्थिति दे पाएंगे, इसके पहले हम नहीं दे पाएंगे। अहमद, अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ सकरण। आज हम लोग जो यहाँ एकत्रित हुए हैं धरना प्रदर्शन के लिए, आज सांकेतिक धरना है, पहला दिन है। आज के बाद जो भी सामने हम लोग जो कार्यक्रम बनाए हैं वो विधिवत कार्यक्रम चलना है जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होंगी। मांगे आपकी कौन कौन सी हैं? हमारी मांगे ये हैं कि हम लोगों को पहले हम लोग की सीएल जो है वो बढ़ाई जाए और हाफ डे लीव दी जाए और 30 ईएल दी जाए। क्यों? उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ सकरण इकाई का मंत्री हूँ। हम लोगों का जो आज का कार्यक्रम था ये फेशियल रिकग्निशन की जो ऑनलाइन अटेंडेंस है उसके विरुद्ध में था। सरकार की तरफ से बिना हम लोगों की मांगों को पूरा किए, हम लोगों की सुविधाओं को समझे बिना, इस तरह की व्यवस्था में जो दिक्कतें आ रही उनको समझे बिना इस तरह की व्यवस्था अचानक लागू कर दी गई, जो कतई अव्यवहारिक है और बिल्कुल ही मानने योग्य नहीं। जब तक कि हमारी मांगों को मान नहीं दिया जाता तब तक हम इस तरह की व्यवस्था का को नहीं मानेंगे किसी भी कीमत पर।
मिश्रिक संवाददाता आलोक वर्मा के अनुसार विकास क्षेत्र मिश्रिक अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों ने बीआरसी मिश्रिक में उपस्थित होकर ऑनलाइन हाजिरी का विरोध किया। विरोध प्रदर्शन में शिक्षक महेश पाल सिंह, राजेंद्र मिश्रा, पुनीत मिश्रा, सुशील त्रिपाठी, रमेश यादव, नमिता सक्सेना, पारुल वर्मा, मंजू मिश्रा, संजय वैश्य, दिनेश कुमार, परशुराम, विकास मिश्रा, सर्वजीत तिवारी आदि उपस्थित रहे। इस दौरान प्राथमिक शिक्षक संघ सीतापुर के जिलाध्यक्ष रविंद्र कुमार दीक्षित ने इंडिया से क्या कुछ कहा, आइए आपको वह भी सुनाते हैं। ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर आपके द्वारा बैठक हुई है, क्या निर्णय लिया गया है? ऑनलाइन को लेकर के जो बैठक हुई हमारी, जो दिक्कतें आ रही उन पर सब पर चर्चा परिचर्चा हो रही है, और हमारा सवाल केवल एक ही है कि जब हम जून की छुट्टी में हम छुट्टी नहीं चाह रहे हैं तो सरकार हमें छुट्टी क्यों देना चाहती है? हम ईएल चाह रहे हैं, हमको 30 ईएल दे दीजिए, 10 हाफ ईएल दे दीजिए, और 14 हमारे आकाशीय अवकाश हैं, इसको लेकर हम अपना काम चला लेंगे और खूब ऑनलाइन अटेंडेंस आप लगवाइए। दूसरी चीज़, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की दिक्कत है, अधिकारी बैठ के टेबल टॉक करें और हमारे विद्यालयों में अधिकारी जाएं, वहां देखें कि ये टेबलेट ऑन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्या क्या विसंगति आ रहे हैं। केवल फरमान जारी करने से काम नहीं चलेगा। आज सबसे बड़ा खेद इस बात पर प्रकट किया गया कि सरकार और विभाग केवल एक ही भाषा पढ़े कि हम जो कह रहे हैं वही सुनो। हम सुनना नहीं चाहते हैं, केवल सरकार और अधिकारी सुनाना चाहते हैं, जिसको अब शिक्षक समाज स्वीकार नहीं करेगा। शिक्षक समाज ये चाहता है कि हमारी भी सुनो, आप अपनी भी सुनाओ, तब एक बीच का रास्ता निकलेगा, उस तभी ये शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। ये संघर्ष कब तक जारी रहेगा? ये संघर्ष अनवरत जारी रहेगा, जब तक इसका कोई संतोषजनक हल विभाग के अधिकारी नहीं निकाल देते, तब तक हम लोग ऑनलाइन का विरोध करते रहेंगे। पहला संवाददाता जितेंद्र कुमार के अनुसार पहला बीआरसी पर जूनियर शिक्षक संघ व प्राथमिक शिक्षक संघ ने संयुक्त रूप से ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन हाजिरी को लेकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में ब्लॉक अध्यक्ष अजय वर्मा, जूनियर शिक्षक संघ ओम प्रकाश, जिला संगठन मंत्री अमित शुक्ला, ब्लॉक मंत्री गरिमा रंजन सहित सभी पदाधिकारीगण मौजूद रहे। हर गाँव संवाददाता अनूप रस्तोगी के अनुसार हर गांव में प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा बीआरसी परिसर पर डिजिटल अटेंडेंस को लेकर कड़ा विरोध जताते हुए सांकेतिक धरना दिया गया, और हर गांव कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारियों की बैठक एवं संघर्ष समिति की बैठक का आयोजन भी किया गया। बैठक का संचालन उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ इकाई हर गांव के मंत्री विनय कुमार गिहार ने की। बैठक में ब्रदर अखलाक, आनंद अवस्थी, अमिता गौतम, अमित यादव, राजेंद्र सिंह, रामचंद्र पाल, अवधेश कुमार, राकेश कुमार, आनंद, श्रवण वर्मा, यशवंत कुमार, जय हिंद सिंह, पंकज कुमार मिश्रा आदि मौजूद रहे। सिधौली संवाददाता राजन भार्गव के अनुसार सिधौली के बाड़ी स्थित बीआरसी पर प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान ब्लॉक सिधौली की कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारियों की बैठक एवं संघर्ष समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष उमेश कुमार सिंह, मंत्री रोहित तिवारी सहित ब्लॉक के कई शिक्षकगण उपस्थित रहे। परसेंडी संवाददाता गोविंद गोपाल सिंह के अनुसार बीआरसी परसेंडी पर प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में मंत्री श्रीपाल, नवीन श्रीवास्तव, आकाश पांडे, अनिल सिंह, राहुल अग्रवाल, दीपक, आशीष सिंह, पुणेश वर्मा, संजीव जायसवाल, रोमेश यादव, जैदी, विकास सिंह, शंभू गहलोत, विजय हरिओम, अनुराग श्रीवास्तव आदि शिक्षकगण उपस्थित रहे। तंबौर संवाददाता सलील श्रीवास्तव के अनुसार बेहटा बीआरसी पर प्राथमिक शिक्षक संघ एवं जूनियर शिक्षक संघ ने संयुक्त रूप से बेहटा ब्लॉक के पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर शिक्षक संघ ब्लॉक अध्यक्ष सिद्धार्थ पटेल, डीवी सिंह, पंकज, साबिर अली, विजय प्रताप सिंह, सुशील पांडे, शिव प्रताप सिंह, तुफैल अहमद, विनोद चौरसिया सहित बेहटा ब्लॉक के अध्यापकगण मौजूद रहे। महमूदाबाद संवाददाता अर्पित शुक्ला के अनुसार महमूदाबाद में शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन हाजिरी को लेकर बीआरसी महमूदाबाद पर जो सांकेतिक प्रदर्शन होना था वह किन्हीं वजहों से स्थगित हो गया। अब यह सांकेतिक प्रदर्शन 11 जुलाई को होगा। आइए आपको सुनाते हैं प्राथमिक शिक्षक संघ के महामंत्री ज्ञानेश मिश्रा, संगठन मंत्री अनुपम वर्मा और शिक्षक मोहम्मद खालिद ने विरोध प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ बताया। एक सेंटेंस सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, रास्ते क्रिटिकल मगर हाजिरी डिजिटल, ये ट्रेंड कर रहा है। साथ ही साथ लगातार जो है शिक्षा विभाग से तमाम तरह के आदेश आ रहे हैं, तमाम तरह की बातें आ रही है। लोग ये कह रहे हैं कि हाजिरी को लेकर के शिक्षकों में खासा नाराजगी है, क्या पूरी बात है बताना, बताए। अटेंडेंस को लेकर के हम लोगों में कोई विरोधाभास नहीं है, हम लोग इससे सहमत हैं कि आप जिस प्रकार चाहें उस प्रकार हमारी उपस्थिति ले सकते हैं, लेकिन हमारी जो समस्याएं हैं आप उनको दूर करिए। व्यवहारिक समस्याएं हैं, आप जो क्रिटिकल रास्तों वाली बात कर रहे हैं, कभी आप फील्ड पर निकलिए, अभी बारिश में देख लीजिए कि इतना कीचड़, इतने रास्ते दुर्गम कि टीचर उसमें गिर जा रहा है, बाइक नहीं निकल पा रही है, गाड़ियां फंस गई हैं, रास्ते में पेड़ गिरा पड़ा है, वैन है, टीचर सब खड़ी हैं,
जब पेड़ कटे तब वो निकले, इस तरह की समस्याएं भी तो देखनी पड़ेंगी। जो आदेश आ रहे हैं, जितने भी सरकारी दस्तावेज मैं देख रहा हूँ उसमें बैक डेट में आदेश आ रहे हैं, इसका क्या, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब ये तो महानिदेशक महोदया ही जान सकती हैं कि आदेश हमको मिलता है 3 दिन बाद और डेट पड़ी होती है 3 दिन पहले की। अब ये तो वही बता सकती है क्या क्या इसके पीछे राज है। जी आज बीआरसी महमूदाबाद में सांकेतिक प्रदर्शन होना था, किन कारणों से नहीं हो पाया है और कब होगा और उसमें प्रमुख मांगे क्या रहेंगी? हमारी प्रमुख मांगे ये रहेंगी कि हमारी 21 सूत्री मांग पत्र पहले से सरकार के पास लंबित है, उसमें कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन सबसे बड़ी हम लोगों की मांग इस समय ये है कि हम ऑनलाइन अटेंडेंस दे देंगे लेकिन व्यवहारिक समस्याएं दूर कर दीजिए। जैसे मुझे कभी लेट हो जाए तो उसका किसी कारणों बस दुर्गम कारणों और रेल के फटका बंद हो जाने से, इन चीजों के लिए हमको लेट में भी हमारा वो ओपन रहे जिससे हम लोग अपनी अटेंडेंस दे सकें। दूसरा है कि 14 छुट्टियों में काम नहीं चलता है, किसी को शादी होनी है तो वो मेडिकल लेता है, किसी के पिता एक्सपायर हो जाते हैं, हिंदू धर्म में 13 दिन के लिए बैठना होता है वो उसके लिए मेडिकल ले रहा है, सारे कार्यों के लिए उसको मेडिकल का सहारा है। हर विभाग में 30 दिन की ईएल मिलती है लेकिन हमारे विभाग में 30 दिन की ईएल नहीं मिलती है, तो कम से कम हमको 30 दिन की ईएल दी जाए जिससे हम अपने जो जरूरी कार्य हैं वो निपटा सकें। दूसरा है कि हम स्कूल में हैं, कोई समस्या आकस्मिक आ जाती है, हमको स्कूल से निकलना पड़ रहा है, उस स्थिति में हमको हाफ डे लीव भी व्यवस्था की जाए कि हम वो अपने सक्षम अधिकारियों को दे करके या वेबसाइट पर दे करके निकल सकें। क्या है असली वजह जिस वजह से जितने भी शिक्षक हैं वो अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, फिर भी आप लोग काम पे आ रहे हो, लेकिन काम पे के आने के बावजूद भी जो आदेश हैं, जो बातें ऊपर से निकल के आ रही हैं, वो किस तरीके से आपको नुकसान दे रही हैं या आने वाले भविष्य में शिक्षकों को नुकसान दे रही है? शिक्षक जो है वो राष्ट्र का निर्माता है, उसके साथ साथ छात्रों का भी निर्माता है। कुछ भी हो जाए लेकिन शिक्षक कभी अपनी शिक्षण कार्यशैली से समझौता नहीं कर सकता है। इस समय बहुत बड़ी समस्या से हम लोग गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी सारे शिक्षक विद्यालय में आ रहे हैं और अपना शिक्षण कार्य कर रहे हैं। समस्या केवल इस बात की, हम लोग विद्यालय आ रहे हैं तब भी अटेंडेंस का विरोध क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक हमको समझना पड़ेगा। विरोध केवल इस बात का है कि हमको एक रिलैक्सेशन दिया जाए, क्योंकि जो भी विद्यालय है वो एक ग्रामीण अंचल से आते हैं, ग्रामीण में है, वहां कहीं का रास्ता खराब है, बारिश हो रही है, रास्ते में पेड़ गिर गया, बाइक से जा रहा है अध्यापक, कैसे विद्यालय पहुंचेगा? तो हमको रिलैक्सेशन ये होना चाहिए कि जो टाइम का उन्होंने बाउंडेशन कर रखा है कि 8 बजे हाजिरी लगानी होगी, 8 बजे के बाद पोर्टल बंद हो जाएगा, इस बारे में सोचना चाहिए। उनको सॉफ्टवेयर को दोबारा डिजाइन करना चाहिए परिस्थितियों को देखते हुए, सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जो जिसकी विंडो पूरे दिन ओपन हो, टीचर आए अटेंडेंस लगाए उसका टाइम वहां पर मेंशन होना चाहिए, फिर आप टाइम की एनालिसिस करिए कि कितने दिन वो लेट हो रहा है। अगर वो 4 दिन लेट हो रहा है आप उसका 1 दिन का वेतन काटिए, लेकिन ये गलत बात है कि अगर अध्यापक 1 मिनट लेट हो जाता है वो पूरा दिन उसका वेस्ट चला जाता है, ये हम लोगों की पीड़ा है। हम लोगों की पीड़ा ये है कि हमको केवल 14 CL मिलती है, हमको EL नहीं मिल रही है, हमको ग्रीष्मकाल अवकाश मिलते हैं उस टाइम हम कौन सा काम करेंगे, हमारा काम पड़ रहा है अक्टूबर में और हमको उस काम को खींच के हम ग्रीष्मकाल अवकाश में लेके जाएंगे, तो हमको ईएल मिलनी चाहिए। अगर हम विद्यालय में है कोई दिक्कत हो जाती है, कोई ट्रेजडी हो जाती है, हमको विद्यालय छोड़ना पड़ जाता है, तो क्या मैंने पूरे दिन का मेरा वेतन कट जाएगा? मुझे हाफ सीएल की व्यवस्था होनी चाहिए। इन सब व्यवस्थाओं की हम लोग मांग कर रहे हैं, अगर ये सारी व्यवस्थाएं सरकार लाती है तो हम लोग सारे शिक्षक पूर्णतया तैयार हैं ऑनलाइन अटेंडेंस देने के लिए, हमारा किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, दैट्स ऑल। उन्नाव में बीएसए महोदय द्वारा एक आदेश आता है कि जो भी जो है विरोध कर रहे हैं उनकी वेतन में कटौती होगी, तो वहीं सोशल मीडिया पे शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा एक आदेश आया है कि ऐसा कोई पनिशमेंट नहीं है, जांच होनी चाहिए, मतलब गोलमोल बातें चल रही हैं, आपकी मांगे लगातार जारी हैं, इन बातों को किस तरीके से लेते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि विभाग हमें लगता है खुद कंफ्यूज है इन सारे मामलों को लेकर। अधिकार बड़े अधिकारी कुछ और आदेश देते हैं, उनके अधीनस्थ कुछ और आदेश देते हैं। रही बात हमारी ऑनलाइन हाजिरी की, जो बात चल रही है, जो ये प्रकरण चल रहा है, इसमें आज भी अध्यापक 7:30, 7:45 और 8 के अंदर तक पहुंचे हैं, पहुंचते हैं और पहुंचते रहेंगे। इस चीज का न तो कभी हमने विरोध किया और न हम लोगों ने कभी काम चोरी की, कभी कोई कोशिश की है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जिस तरीके से हमारे ऊपर ये आदेश थोपा जा रहा है, उन चीजों को लेकर जरूर थोड़ा सा आक्रोश है अध्यापकों में,
मैं अपने उच्च अधिकारियों से बात कहना चाहता हूं कि एसी रूम और एसी गाड़ियों को छोड़कर हमारे अध्यापक के साथ आए और जमीनी स्तर पर उसकी जो समस्याएं हैं, हर ऑनलाइन जैसे कुछ अध्यापक या कुछ विद्यालय जरूर ऑन रोड हैं, लेकिन अधिकांश विद्यालय दूर दराज एरियो में हैं। हम ये चाहते हैं कि चंद विद्यालयों को दृष्टिगत न रखते हुए उन विद्यालयों को ध्यान में रखें जो ब्लॉक स्तर से, ब्लॉक लेवल से कम 50 किलोमीटर दूर हैं, कोई नदी के किनारे है, कोई बीच जंगलों में होकर रास्ता है। इन सारी चीजों को देखते हुए और मौसम, हमारी हम रोज 365 दिन के काम करने वाले लोग हैं, हमें बारिश भी मिलती है, हमें कोहरा भी मिलता है, हमें तेज धूप भी मिलती है। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए हमारी जो ओरिजिनल समस्याएं हैं, जमीनी समस्याएं हैं, उन पर थोड़ा सा ध्यान दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लॉकडाउन में आपने नौकरी की, चुनाव के दौरान मतगणना की, सब कुछ किया, और अगर आपको ही अपने अधिकारों को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर के लगातार लड़ाई लड़नी पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में एक शिक्षक क्या सोचता है? ये तो हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है कि हमने लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस चलाई, अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारे अध्यापक गांव गए, सोशल डिस्टेंसिंग से हमारे नौनिहालों को हमने पढ़ाया, ऑनलाइन पढ़ाया हमने। और आपने अभी बात की चुनाव की, जो प्रधानी का हमें याद है, जब प्रधानी का चुनाव हो रहा था उस टाइम जो कोविड था वो अपने चरम पर था, हमारे कई अध्यापकों की जान भी गई उसमें, लेकिन हमने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी अगर हमें शंका की निगाह से देखा जाएगा, हमें शक की निगाह से देखा जाएगा, तो यकीन ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।